वाला हो, सिखा हो, इसके कारण ये दुर्भाग्य फैला हुआ है। नम्रता को मैं यहाँ आग्रह करके ले आया, उसको मैंने पढ़ाया गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट अलाहाबाद में, वहां से संपर्क हुआ, कहा कि नहीं आप हमारा भाग्य है कि वो मुंबई में रहने वाली शादी होकर अहमदाबाद में आई है और इतना बढ़िया संस्कृत बोल लेती है, तो हम चाहते हैं कि आप जो नई पीढ़ी वाले छात्र हैं उनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त करें और इस दर्द को मिटाने के लिए जो भी बोर्ड ऑफ स्टडीज में ऐसे एचओडी बैठे हैं उनको कुछ न कुछ रूप में सिद्धांत कौमुदी को मौका देना चाहिए। एक मिनट सर जी, पहले प्रोग्राम जी का हम सुन लेते हैं, बाद में आप ऐसा क्यों हुआ गुजरात का, ये हिस्ट्री ये मानव एक बहुत विषम प्रश्न यहाँ उपस्थित हुआ है और हमारे आचार्य ये कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज और लिटरेचर हम लोग पढ़ाते हैं जैसे अंग्रेजी अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई जाती है, उर्दू उर्दू के माध्यम से पढ़ाई जाती है, हिंदी हिंदी के माध्यम से पढ़ाई जाती है, तो संस्कृत संस्कृत के माध्यम से क्यों नहीं? ये बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये विषम परिस्थिति संस्कृत के साथ अंग्रेजों की देन है। हमारे देश में जब गुरुकुल पद्धति थी तो संस्कृत भी संस्कृत के माध्यम से पढ़ाई जाती थी। संस्कृत केवल एक लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है, संस्कृत एक विद्या, संस्कृत एक अध्यात्म है, संस्कृत एक संस्कार। तो हमारा जो महाकवि राजशेखर आचार्य राजशेखर है वो कहता है कि उत्तम काव्य विशेषण भाषा जाहो दुसा हो, जो चमत्कृत उक्तियां हैं वो काव्य हैं, भाषा चाहे जो भी हो। तो जैसा कि हमारे आदरणीय आचार्य भट्ट जी ने कहा कि वस्तु को हम लेते हैं, एक पद्धति जो शिक्षण की है वो विकसित हुई कि संस्कृत में वस्तु क्या, उसको हमें प्राप्त करना है, चाहे वो मलयालम के माध्यम से हो, चाहे तमिल के माध्यम से हो, चाहे गुजराती के माध्यम से हो, चाहे मैथिली के माध्यम से हो। तो अंग्रेजों ने जो पद्धति प्रारंभ की संस्कृत के शिक्षण की वो अंग्रेजी के माध्यम से थी। और जब मैं पढ़ने गया तो आपको बताऊं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दो विभाग हैं, एक ओरिएंटल लर्निंग का है और एक जो मैंने प्रॉपर डिपार्टमेंट है इंग्लिश माध्यम वाला। तो वहाँ जो परीक्षाएं होती थी बीए और एमए की वो अंग्रेजी के माध्यम से होती थी और अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाया जाता था और उसी माध्यम से छात्र परीक्षा में प्रश्न उत्तर भी देता था। जो ओरिएंटल लर्निंग है ये महामना मालवीय जी की अपनी बहुत बड़ी भविष्य की ऊंची सूझ थी कि उन्होंने संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत विद्या को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सल जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये विभाग खोला। तो हमारे यहाँ संस्कृत के शिक्षण की अध्यापन की दो पद्धतियाँ हैं, एक तो जो यूनिवर्सिटी लेवल पर है जैसे आपका गुजरात विश्वविद्यालय है या उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय है, जैसे हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, मेरा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। दूसरी पद्धति जो है वो संस्कृत के शिक्षण की परंपरागत पद्धति कही जाती है, जैसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, आपके गुजरात में सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी निकला। तो यहाँ चाहे जो भी विषय हो, वेद हो, दर्शन हो, साहित्य हो, ज्योतिष हो, व्याकरण हो, तो छात्रों को संस्कृत के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो नई दिल्ली में स्थित है और उसके कैंपस बॉम्बे में भी है, लखनऊ में भी हैं, इलाहाबाद में भी हैं और बहुत सारे कैंपस हैं, तो इनके यहाँ भी परंपरागत शिक्षा संस्कृत की संस्कृत के माध्यम से दी जाती है, इसलिए बच्चे संस्कृत व्यवहार में भी बोलते हैं, केवल परीक्षा ही संस्कृत के माध्यम से नहीं देते बल्कि व्यवहार में संस्कृत से बोलते हैं। देखिए हमारे देश की जो राजकीय भाषा थी अंग्रेजी नहीं थी,
लेकिन आज हमारे समाज में भी 50% अंग्रेजी हर भाषा में बोली जा रही है। आप हिंदी बोलते हो कि अंग्रेजी बोलते हो? कल एक प्रश्न उठा कि ये नाटक प्राकृत में लिखा गया है कि संस्कृत में लिखा गया, 60% उसमें प्राकृत है और 40% संस्कृत में है, लेकिन वो संस्कृत का नाटक कहा जाता है। इसी तरीके से अब वो ऐसी खिचड़ी भाषा हो रही है, जैसे गुजराती भी आप बोलते हैं तो क्या 100% गुजराती है वो? आप अंग्रेजी मिक्स कर लेते हैं। तो भाषा की ये प्रकृति होती है, भाषा विज्ञान पढ़ाने वाले पढ़ने वाले जानते हैं ना कि वो तरबूज को देखकर तरबूज रंग बदलता है। तो एक भाषा जब दूसरे के संपर्क में आती है तो अपना प्रभाव छोड़ती है। जब मुस्लिम शासक आए तो बिना कहे फारसी लग गई, उर्दू लग गई, हमारे जो रोज के व्यवहार होते थे वो उर्दू में होते थे, फारसी में होते थे। शासन जब खत्म हुआ तो शासन जिस भाषा को प्रश्रय देता है वो भाषा लोक में भी आ जाती, जैसे अशोक के समय में पाली आ गई। तो आप लोगों से मेरा निवेदन ये है कि हम संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाने की चेष्टा करें। गुजराती के माध्यम से भी पढ़ाते हैं तो कम से कम एक प्रश्न ऐसा अनिवार्य होना चाहिए कि जिसका उत्तर बच्चे संस्कृत में लिखें और उस प्रश्न पत्र को अध्यापक भी संस्कृत में पढ़ाएं। तो एक व्यावहारिक कठिनाई है कि संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से क्यों नहीं पढ़ा जाए। अब देखिए क्या है, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अब छात्र केवल कंसंट्रेट करता है परीक्षा, वो ज्ञान प्राप्त करने नहीं आता, वो कागज का टुकड़ा प्राप्त करने आता है, डिग्री प्राप्त करने आता है। तो परीक्षा में हम किस तरीके से अच्छा कर सकें इसके लिए उसका सारा प्रयत्न होता है, तो वो पढ़ना नहीं चाहता। मैं बहुत निरपेक्ष भाव से कह रहा हूं कि आज के छात्र पढ़ने के लिए नहीं आते, परीक्षा देने के लिए आते हैं, उत्तीर्ण होने के लिए आते हैं, और परीक्षा दे करके वो किसी तरीके से आजीविका प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो छात्र संस्कृत के माध्यम से संस्कृत पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अवसर है। ये संस्कृत भाषा नम्रता न मरिष्यति। धन्यवाद।